नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुदर्शन के फूल के बारे में। जी हाँ, सुदर्शन के फूल के औषधीय गुणों के आधार पर आयुर्वेद में रोगों के उपचार के तौर पर सुदर्शन का प्रयोग किया जाता है। सुदर्शन कान दर्द, जोड़ों का दर्द, बवासीर जैसे बीमारियों के लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। तो चलिए जानते हैं सुदर्शन के और कितने फायदे स्वास्थ्य की दृष्टि से गुणकारी है। सुदर्शन फूल क्या है? सुदर्शन का वनस्पतिक नाम क्राइनम लेटिफोनियम है। सुदर्शन अंडाकार सलकंड वाला एक शाकीय पौधा होता है। इसके फूल विभिन्न प्रकार के सुगंधित तथा सफेद रंग के होते हैं। यह मई से जून महीने के बीच फलता और फूलता है। सुदर्शन मीठा, कड़वा, तीखा, हजम करने में भारी और गर्म तासीर का होता है। सुदर्शन वात और कफ करने में सहायक होता है तथा इसके कंद जोड़ों का दर्द कम करने में काफी लाभकारी होते हैं। सुदर्शन के फायदे। सुदर्शन ऐसा जड़ी बूटी है जो कई तरह के रोगों के लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। इसके अलावा सुदर्शन किन किन रोगों के लिए फायदेमंद है तो चलिए जानते हैं। कान दर्द से दिलाए राहत। अगर दांत दर्द के कारण ठंड लगने की वजह से कान में दर्द हो रहा है तो एक दो बूंद सुदर्शन के पत्तों के रस को कान में डालने से कान का दर्द कम हो जाता है। बवासीर में फायदेमंद। बवासीर के दर्दनाक कष्ट से आराम दिलाने में सुदर्शन काम आता है। सुदर्शन के सल्क कंद को पीसकर अर्श या बवासीर के मसों में लेप करने से लाभ होता है और जोड़ों पर लेप करने से आम वात के दर्द से राहत दिलाने में काफी मदद करती है। सफेद पानी निकलने की परेशानी करे कम। बहुत सारे महिलाओं को सफेद पानी निकलने की समस्या होती है जिससे कमजोरी भी होती है। ऐसे में सुदर्शन का सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। सुदर्शन के तने को दूध में पीसकर मात्रानुसार सेवन करने से सफेद पानी निकलने के कारण जो दर्द होता है उससे आराम दिलाने में मदद करता है। जोड़ों का दर्द कम करता है। गठिया रोग में सुदर्शन का उपयोग फायदेमंद होता है। एंटी इंफ्लेमेटरी के गुण पाया जाता है। इसके उपयोग से जोड़ों की सूजन कम होती है और गठिया के लक्षणों में कमी आती है। तो आइए जानते हैं कि गठिया घरेलू इलाज में सुदर्शन कैसे उपयोग करें। सुदर्शन की जड़ को पीसकर संधियों यानी जोड़ों पर लगाने से दर्द कम होता है तथा सूजन पर लगाने से सूजन कम होती है। जोड़ों के दर्द तथा वेदनायुक्त रोगों में सुदर्शन के पत्तियों से स्पंदन करने से पत्तों को पीसकर गुनगुना कर लेप करने से काफी लाभ होता है। चर्म रोग और एवं कुष्ठ के इलाज में काफी फायदेमंद। आयुर्वेद के अनुसार सुदर्शन का पौधा चर्म रोग में फायदेमंद है। चर्म रोग होने पर सुदर्शन की पत्तियों का रस प्रभावित जगह पर लगाने से जल्दी लाभ मिलता है। कुष्ठ के घाव सुखाने में सुदर्शन बहुत फायदेमंद साबित होता है। समान मात्रा में शकरकंद बीज तथा जीरे में सुदर्शन का जड़ मिलाकर पीसकर लेप करने से खुजली तथा कुष्ठ में लाभ मिलता है। बुखार से राहत दिलाने में उपयोग। सुदर्शन को आयुर्वेद में बहुत से ज्वर नाशक रोगों एवं मुंह के घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि सुदर्शन बुखार के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। खुराक और सेवन की विधि जानकारी के लिए नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क करें। घाव या फोड़ा सुखाने के लिए सुदर्शन का प्रयोग। फोड़ा सुखाने में सुदर्शन बहुत ही गुणकारी होता है। भुने हुए सलकंदों को पीसकर फोड़ों पर लेप करने से काफी लाभ होता है। सुदर्शन के गुण फोड़ा को जल्दी सुखाने में भी मदद करता है। घाव में लाभकारी। अगर पुराना घाव नहीं सूख रहा है, सुदर्शन के कंद को पीसकर घाव पर लगाने से घाव ठीक होता है। त्वचा संबंधी बीमारियों से दिलाए राहत। सुदर्शन के पत्तों के रस से सिद्ध तेल को लगाने से त्वचा संबंधी रोगों से छुटकारा मिलती है। तो दोस्तों, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।
धन्यवाद।